आए दिन कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए हरियाणा सरकार चौकन्ना हो गई है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि जिस प्रकार कोरोना केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार ने अपनी सारी तैयारी कर ली है। प्रदेश के जिन 7 जिलों में कोरोना केस बढ़े हैं उन जिलों में खास निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की जो बैठक हुई थी उसमें निर्देश दिए जा चुके हैं कि कोविड को लेकर सारी स्थिति को मेंटेन किया जाए, कोविड अस्पतालों को नोटिफाई किया जाए, कहीं बेड की दिक्कत ना आए और डॉक्टरों की टीम को होम आइसोलेटेड मरीजों की जांच के लिए 2 दिन में एक बार विजिट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाजारों में भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं जिसकी कड़ाई से पालना की जाए। और 2 दिन तो पूर्णतः बंद रहेगा, कई स्टेट से लगाए नहीं, अभी हमने फैसला नहीं किया इसके ऊपर। तो ऐसा कोई विचार है सर सरकार? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं पर अभी नहीं। तो रात कर्फ्यू पे भी विचार करेंगे या अब क्या कठोर कदम उठाने हैं? प्रधानमंत्री जी की वीसी के बाद फैसला करेंगे। सर जो मौत का आंकड़ा जो देखा जा रहा है सर, पीछे जो अब लगातार कुछ दिनों से जो है कि वो मौत का जो आंकड़ा कोविड पेशेंट्स का वो ज़्यादा इजाफा हो रहा है, अगर एक हफ्ते की बात करें, और जो कोरोना पेशेंट है वो भी 2000 के करीब का जो आंकड़ा लगातार पर डे के हिसाब से आ रहा है, तो उसके लिए सर क्या एहतियात या किस तरह के प्रबंध स्वास्थ्य विभाग में? एहतियात वही है जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको लोगों से मेंटेन करने के लिए कहेंगे भी और करवाएंगे भी। सर मौत का आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है तो उसमें हॉस्पिटल्स में कुछ इस तरह की सुविधा या और अलग से कुछ प्रबंध किए जाएं जिससे कि जो है क्रिटिकल सिचुएशन वाले जो पेशेंट्स हैं उनको इलाज किया जाए? नहीं, पूरी कोशिश की जाती है कि उसको कम रखा जाए और हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है 1.07 है। सर 2 जिले खासकर गुरुग्राम और पंचकूला अगर देखा जाए जो डेली की रिपोर्ट्स आती है सबसे ज़्यादा आंकड़े इन्हीं के, इन पर किस प्रकार का फोकस किया जा रहा है? नहीं, कुल 7 जिले हैं जिनमें ये केसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर विशेष ध्यान निगरानी करने के लिए हमने कहा है। सर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली में अगर आप सिंगल गाड़ी में भी चलेंगे तो भी आपको मास्क लगाना होगा, क्या ये सब चीज़ें हरियाणा में लागू होंगी? अब कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कल आपने बैठक की थी सर स्वास्थ्य विभाग की, कुछ खास दिशा निर्देश दिए हैं? नहीं, बिल्कुल उसमें हमने कहा है कि कोरोना दोबारा फिर उसी स्तर पर आ गया और जो जो तैयारियां हमने पिछली बार की थी वो सारी तैयारियां दोबारा की जाएं, अपना सारा मेडिसिंस का इक्विपमेंट का जो स्टॉक है वो पूरा मेंटेन किया जाए, उसको चेक किया जाए कि वो हमारे पास पूरा हो और कोविड हॉस्पिटल्स भी और नोटिफाई किए जाएं, उसके लिए भी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन की जाए ताकि लोगों को बेड्स की दिक्कत ना हो और जो ज़्यादा होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको भी हर पेशेंट को हमारी टीम विजिट करे। ये हमने पिछली बार भी किया था और अब उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए मैंने कह दिया कि डॉक्टर जाके कम से कम 2 दिन में एक बार वो जरूर उनको विजिट करे और जो जो दवाइयां उनको देनी है उनको घर पे देके। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक